हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार के साथ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। ये आप रागी ने नहा लिया है और मैंने सोचा कि आज मम्मा की शुरुआत। हाँ बेटा, मम्मा बोलो हाय गाइस। हाय फ्रेंड्स। अच्छा बोलो बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो 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 ओम नमः शिवाय। तो रागी यहाँ पे नहा ली है। मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ रागी को। रागी बोलो हेलो गाइस। बोलो नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? कैसी? पापा कैसी? आ जाओ पापा। जाओ पापा नहीं बोलो, फ्रेंड्स आ जाओ, चाय पी लो। तो चलिए अभी मैं रागी को नहला के आई हूँ। मौसम हो रहा है ठंडा, जैसे कि आप जानते हैं बारिश का सीजन है, तो मैं फटाक से इसको रेडी करके आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हे आई एम बैक। जो सुबह का रागी का पार्ट था वीडियो का, वो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज सुबह उसको रेडी करने के बाद बैक टू बैक शेड्यूल बिजी हो गया, तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा हाँ अब मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ, तो आप लोगों से कर लेते हैं कुछ बात। और हम आज गए थे मार्केट कुछ बेसिक एसेंशियल्स लेने। हेलो करो दारू। कैसे हो आप लोग? बोलो कैसे हो आप लोग? आलू। कैसे हो? हेलो आलू। और बात करो, बात करो आलू। अच्छा बोलो ओम नमः शिवाय। 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 अच्छे से बोलो ओम नमः शिवाय। 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 तो आप लोगों ने देखा कि रागी क्लियर बोल रही है ओम नमः शिवाय, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, वर्ड्स तो क्या, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो रागी कंप्लीट बोलती है एकदम क्लियर। और रागी अभी बहुत बड़ी नहीं है, अभी ये बस 16 मंथ्स की है, तो अब मुझे नहीं पता कि ये सही जा रही है या पीछे जा रही है। सही इन द सेंस, मतलब नॉर्मल बच्चे किस टाइम पे बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो मुझे नहीं आइडिया। बट हाँ रागी 16 मंथ की है, तो आई थिंक ये कंप्लीट सेंटेंस कर लेती है, यही बहुत है। बाकी धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे सेंटेंस क्लियर होते जाते हैं, वर्ड्स क्लियर होते जाते हैं। तो बस यही था। तो मैं हाँ मैं कहाँ पे थी, मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि हाँ हम लोग आज गए थे मार्केट, तो कुछ बेसिक एसेंशियल्स लेने थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मुझे। तो मैंने तो सिर्फ एक चीज़ ली है रागी के लिए, बाकी मेरी भाभी ने लिया है अपने लिए सामान, तो मैं उसका भी उसे भी इंक्लूड करूँगी वीडियो में। अभी तो खैर वो पता नहीं इधर उधर रखा है, बट हाँ मेरे सामने एक चीज़ आई है जो मैं रागी के लिए लेके आई हूँ, मैं पहले आप लोगों के साथ वो शेयर कर लेती हूँ। तो जी हाँ, ये रागी के लिए मैं लेके आई हूँ एक रेनकोट, और इसे ओपन करते हैं। ये ऐसे प्लास्टिक के बैग में आता है एज यूजुअल, जैसे कपड़े आते हैं छोटे बेबी के, जो मैं फर्स्ट क्राई से भी शॉपिंग करती हूँ तो ऐसे बैग में कपड़े आते हैं। तो ऐसा एक बैग आया है और मैंने ये मंगाया है इसके लिए रेनकोट। ये वैसे सी ग्रीन कलर, थोड़ा इसमें ब्लूइश दिख रहा होगा लाइट की वजह से, बस सी ग्रीन है ये। और ये कलर रागी के मामी ने रागी के लिए पसंद किया है। मम्मी तो रेड पे जा रही थी और मैं कंफ्यूज थी, तो उन्होंने बोला कि रागी के लिए ये वाला कलर लेना चाहिए, तो फिर मैंने ये वाला कलर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये गाउन टाइप का है, कोटी है, मतलब ये पैंट शर्ट में जो आते हैं, तो छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चों के लिए पैंट शर्ट नहीं आते, तो नॉर्मली ये कोट है, तो अच्छा है। और इसका जो प्लास्टिक है
मतलब जो रबर है इसका मैं आपको दिखा देती हूँ, वो बहुत गुड क्वालिटी है, इसे मतलब नॉर्मल नहीं है, खराब सा अच्छी क्वालिटी का है। तो ये मैंने लिया है और रागी से थोड़ा सा ये मतलब बड़ा है फ्री साइज कि वो इजीली पहन पाए और टाइट ना हो ज़्यादा। सो ये है और इसमें ये 1 2 3 बटन है और ये से ओपन हो जाते हैं और ये कैप है, मतलब अच्छा है, क्वालिटी इज गुड। और इसका प्राइस मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आई डोंट थिंक कि ये महंगा होगा आप लोगों के लिए, ये सस्ता, बट ये मुझे 180 में मिला है और 200 बोल रहे थे वो भैया, तो हमने बार्गेनिंग करके इसको 180 में लिया है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये मैंने महंगा लिया है सस्ता, बट 180 का है ये और अच्छा भी है। ऊपर एक कैप है, इसका भी जो प्लास्टिक है बहुत अच्छा है, ओवरऑल इट्स गुड। तो रागी के लिए हमने ये ले लिया है क्योंकि कभी भी सडनली बारिश आ जाती है, सीज़न ही है बारिश का, वैसे तो हम उसको बारिश में लेके जाते नहीं हैं, बट इन केस अगर आ ही जाए तो एक बैकअप रखना चाहिए, तो इसलिए हमने उसके लिए एक रेनकोट ले लिया है। और बस यही था। और भाभी ने क्या लिया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसका भी एक वीडियो आएगा। और अगेन मैंने बिंदी बहुत छोटी लगाई है, इसलिए वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बिंदी नहीं लगाई है, तो मैंने बिंदी लगाई है। तो बस यही था आज का मार्केट की शॉपिंग। तो फाइनली अब हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, और रागी को नींद के कोई भी आसार नहीं है। अच्छा नानी बस जाना। सो अब बज गए रात के 10 और अब मैं रागी को भी सुलाने वाली हूँ क्योंकि इनसे सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है और कल ऑफिस भी है। आज थी छुट्टी क्योंकि आज हमारे यहाँ थी वोटिंग, तो वोट डालने गए थे और वोट डाल के आए हम, देन फिर मार्केट गए, शॉपिंग करी और पीछे देख सकते हैं आप बहुत मैस पड़ा है तो वो भी क्लीन करना है। तो बस कुछ नहीं, थोड़े बहुत रागी जहाँ बैठती है वहाँ थोड़े घड़ी करे हुए कपड़ों को भी वो फैला देती है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, रिपीट से हमें करने ही है घड़ी। तो बस यही था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग को आज यही एंड किया जाए और अब मिलती हूँ मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में। तो टिल देन गाइस देखते रहिए हमारा चैनल, हमें करिए खूब प्यार सपोर्ट और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स जो भी नए व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं पहली बार, वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाएं, जो रेड बटन है उसको क्लिक करके जाएं ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले व्लॉग में और ऐसे ही नए नए कंटेंट लाती रहूँगी। तो टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।